अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रबंध न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आंगनवाड़ी सेविकाओं को 15,000 रुपये मानधन, आंगनवाड़ी मददनीश को 8,000 रुपये, होमगार्ड कोतवाल के मानधन में बढ़ोतरी, लाड़की बहन योजना अर्ज भरने वाले आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रोत्साहन भत्ता, विशेषकर 4,860 शिक्षकों की भर्ती होगी। कोतवाल के मानधन में बढ़ोतरी, होमगार्ड कल्याणकारी योजना शुरू, होमगार्ड कोतवाल अनुकंपा धारकों को भी धोरण लागू, आंगनवाड़ी सेविका महिला मददनीश। उसी तरह होमगार्ड कोतवाल के मानधन में महायुति सरकार ने भारी वृद्धि की है। सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 15,000 रुपये और आंगनवाड़ी सहायिका को 8,000 रुपये देने का फैसला किया है। इसमें जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लाड़की बहन योजना का आवेदन पत्र भरेंगे, उन्हें प्रोत्साहन भत्ता भी दिया जाएगा। इसके लिए राज्य भर में 4,860 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए जाएंगे। आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 8,000 रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है। कोतवालों को परिश्रमिक बढ़ाने और उनके लिए कल्याणकारी योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा काम के दौरान होमगार्ड या फिर कोतवाल की मौत होने पर उनके वारिसों को भी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाएगी। तो ये लगता है कि महायुति सरकार आंगनवाड़ी सेविकाओं के साथ होमगार्ड कोतवालों के अनुकंपा धोरण पे भी कटिबद्धता पे है। MBA शिक्षा में प्रवेश के लिए समय सीमा बढ़ाई, MBA छात्रों के लिए रास्ता खुला, वास्तु विशारद अभ्यासक्रम प्रवेश के लिए भी मुद्दत बढ़ाई। अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद का निर्णय, महायुति सरकार ने छात्राओं को दिया दिलासा। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सरकार का ये बड़ा निर्णय, MBA पाठ्यक्रम के लिए 23 अक्टूबर तक का विस्तार। CET सेल ने महाराष्ट्र में MBA और आर्किटेक्ट पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश की समय सीमा बढ़ा दी है। MBA प्रवेश प्रक्रिया 23 अक्टूबर 2024 तक जारी रहेगी। अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद के तकनीकी शिक्षा के तहत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समय सीमा 1 महीने तक बढ़ा दी है। इसमें छात्राओं को प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के पार्श्व प्रवेश के लिए ये समय सीमा बढ़ाई गई है। संस्थात्मक स्तर पर कैंप थ्योरी के बाद रिक्त रहने वाले MBA पाठ्यक्रमों के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए प्रवेश प्रक्रिया अब 23 अक्टूबर 2024 तक आयोजित की जाएगी। महायुति सरकार ने छात्राओं को ये बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए कायाकल्प योजना शुरू की है। इसके तहत परभणी जिला सरकारी अस्पताल को राज्य स्तरीय कायाकल्प पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा स्त्री अस्पताल सेलू, गंगाखेड़ उप जिला अस्पताल सहित 4 ग्रामीण अस्पतालों को पुरस्कार दिया गया है। दिलचस्प की बात यह है कि पहली बार है कि एक ही समय में 8 अस्पतालों को ये पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से अस्पताल परिसर की साफ सफाई, स्वास्थ्य संस्थानों की बाहरी सफाई, कीटाणु शोधन, पेयजल व्यवस्था, अपशिष्ट जल के उचित निपटान, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के और अन्य मापदंडों का आकलन कर और परीक्षण करके दिए जाते हैं। वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों में जिला सरकारी अस्पताल स्त्री हॉस्पिटल को 3 लाख का पुरस्कार मिला है, जबकि सेलू गंगाखेड़ उप जिला अस्पताल, पाथरी बोरी मानवत पालम ग्रामीण अस्पतालों को 1-1 लाख का पुरस्कार मिला है। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए सभी अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षक, चिकित्सा अधिकारी और स्वास्थ्य संस्थानों के अधिकारी, जिला सर्जन डॉक्टर नागेश लखमावार, अतिरिक्त जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर सरिका बड़े, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर कदम के मार्गदर्शन में निरंतर प्रयास किए गए। दिलचस्प बात यह है कि 1 साथ 8 अस्पतालों को यह सम्मान पहली बार मिला है, ऐसी जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर तपसे इन्होंने दी है। सही धूमधाम के साथ सेलू शहर में लगाए गए 11 जगहों के CCTV कैमरे वो मेंटेनेंस के कारण पिछले कई महीनों से बंद है, इसके लिए तुरंत इसे शुरू की जाए, ऐसी मांग सेलू कर वासियों ने नगर पालिका के CEO को दिए गए निवेदन में की है। सेलू के जयसिंह शेर के, एडवोकेट कृष्णा शेर, गणेश सोलंक के, माओली कदम, सुनील हिवाड़े, शुभम खंदारे, जतिन साड़वे आदि ने के शिष्टमंडल ने आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज सेलू के CEO को इसकी तफसीलवार निवेदन पेश किया। इस समय कुछ सालों पहले बड़े ही धूमधाम के साथ सेलू शहर के 11 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए थे, परंतु पिछले कुछ महीनों से बंद है, इसकी जानकारी देते हुए इसे तुरंत बनाया जाए और CCTV कैमरे के बारे में जानकारी ली तो वो सोलार पर चल रहे थे, लेकिन मेंटेनेंस के कारण ये कैमरे बंद होने के कारण ये पूरी माहौल खराब हो चुका है। शहर के रायगढ़ कॉर्नर, छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लोकमान्य तिलक पुतला, वालूर रोड, क्रांति चौक, सेलू, यहाँ पर CCTV कैमरे बिठाए
गए थे। ये सभी जगह के गर्दी के और भीड़ इलाके में सीसीटीवी कैमरे की जरूरत होने के बावजूद यहाँ पर सीसीटीवी निकाल दिए गए हैं। इस पर शहर की सीसीटीवी कैमरे होने की बात कहते हुए अनुचित प्रकार अगर से होता है तो इसके बारे में जिम्मेदार कौन होगा और उसमें कैसे जिम्मेदारी संभाली जाएगी। शहर में चोरियों के गाड़ी के प्रमाण भी बढ़ रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ये गैर कृत्य होने वाले नजरों को सामने रखकर सेलू वासियों ने सीसीटीवी कैमरे बिठाने की आवश्यकता है। ऐसा अगर से नहीं किया गया, 15 दिनों में अगर सीसीटीवी कैमरे नहीं बिठाए गए तो आने वाले दिनों में सेलू वासी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, ऐसा इशारे का निवेदन सीओ नगर पालिका को दिया गया है। जिंतूर सेलू विधानसभा के विधायक मेघना दीदी साकोरे बोर्डीकर इनके कोशिशों से सेलू के कामगारों को गृह उपयोगी वस्तुओं के संच की पेटी बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज सेलू शहर के कृषि कॉलेज बोर्डीकर परवनी रोड सेलू स्थित कामगारों को ये वस्तुएं बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस समय विधायक मेघना बोर्डीकर साकोरे इनके हाथों ये सामग्री बांटी गई। इस समय डॉक्टर संजय रोडगे, तालुका अध्यक्ष दत्ता कदम, शहर अध्यक्ष अंबोरे, गणेश काटकर, लालू खान और सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता इस समय मौजूद थे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एवं पाथरी के विधानसभा के विधायक सुरेश राव वरपुड़कर इन्होंने पाथरी स्थित सामाजिक कार्यकर्ता मुस्तफा अंसारी इनके निवास स्थान पर मुलाकात दी। इस समय विधायक वरपुड़कर इनका मुस्तफा अंसारी इनकी ओर से सत्कार किया गया। इस समय बबलू कुरैशी, हबीब कुरैशी आदि उपस्थित थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गाठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे आयुर्वेदिक विद्या विशारद बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे बसमठ रोड पर भनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। रामगिरी महाराज ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो अपशब्द कहे थे उस वक्तव्य को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनसे जवाब पूछने के लिए AIMIM के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील इन्होंने तिरंगा रैली के तहत जवाब तलब करने का ऐलान किया था। रैली से मुंबई जाने के लिए परवनी से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सतीश चाकोर इन्होंने परवनी शहर में 100 गाड़ियां इन युवाओं को देकर अपना कर्तव्य निभाया। उसी कर्तव्य की दखल लेते हुए परवनी शहर के दरगाह रोड स्थित मुस्लिम समुदाय की ओर से और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली इनके मित्र मंडल की ओर से उनका जंगी स्वागत सत्कार किया गया। इस समय सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अकबर अली, उनके मित्र मंडल के पदाधिकारी और इसी तरह से आम आदमी पार्टी के सतीश चाकोर यहाँ पर दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। जो एक बनो नेक बनो और संविधान के दायरे में रहकर जो एक समाज को लेके चलने का आज जो काम कर रहे हैं वो सतीश भैया कर रहे हैं। सभी समाज को साथ में लेकर चले सतीश भैया ने जो मुस्लिम समाज के लिए किया, ये बहुत बड़ा बलिदान है। इससे ये साबित होता है कि भारत में रहना है तो जातिवाद नहीं, एक मिलजुल कर जो है तो हमको ये समाज में रहना है। इसका सबूत जो है तो सतीश भैया ने हमको दिया है और मैं सतीश भैया का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने हमारे मान सम्मान में हमारा जो है तो सत्कार समारोह में आए हैं। उनका मैं बहुत बहुत दरगारों की जैनिक से धन्यवाद करता हूँ। आमदार होते पहले वक्त में सतीश भैया अगर आमदार की लड़ते हैं तो दरगाह रोड की जानी से हमारा पूरा समर्थन सतीश भाई की तरफ से रहेगा। धन्यवाद। मुंबईला जाण्यासाठी तिरंगा रैलीला माझ्याकडून फक्त 100 गाड्या, एक छोटासा प्रयत्न होता। त्यांचं दुःख किंवा त्यांच्या मनातला जो असंतोष आहे त्यामध्ये सामील होण्यासाठी मी माझ्यातर्फे जे छोटासा प्रयत्न केला त्या प्रयत्नाला अनुसरून दरगाह रोडवरील सर्व मुस्लिम बांधव आणि पूर्ण परभणी शहरातील मुस्लिम बांधव जे प्रेम आणि भाईचारा निभावत आहेत त्याबद्दल मी आपल्या सर्वांचं खूप खूप आभारी आहे आणि याच प्रकारचं प्रेम येणाऱ्या काळातही आपल्याकडून मिळेल अशी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। अकबर अली, समाजसेवक अकबर अली यांनी या मोठ्या प्रमाणात जे स्वागत केलं त्याबद्दल मी त्यांचा आणि सर्व मुस्लिम बांधवांचा खूप खूप आभारी आहे। तुमचं प्रेम जे आहे हे माझ्या आयुष्यभरातल्या सगळ्यात मोठी कमाई असल्याचं मी सांगू इच्छितो, कारण एवढं प्रेम मुस्लिम समाजाने दिलं त्याबद्दल मी खूप खूप आभारी आहे। दरगाह रोड क्षेत्र में हाजी हमीद कॉलोनी में नई DP स्थापित करने एवं विद्युत आपूर्ति सुचारू करने के संबंध में क्षेत्रीय कामगार पक्ष अल्पसंख्यक आघाड़ी की ओर से आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 के रोज
अधीक्षक अभियंता बिजली महावितरण कंपनी परभनी इन्हें निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि परभनी के दरगाह रोड क्षेत्र में पारवा गेट के पास से हाजी हमीद कॉलोनी के निवासी बिजली की कमी के कारण परेशान है। चार चार दिनों तक लाइट जाती रहती है, खंभों की दूरी होने के कारण तारे भी नीचे लटकती रहती है, जिससे हादसा होने का संभावना दिखाई देती है। पहले ही इस इलाके में रोड रास्ते नहीं होने के कारण रात के समय यहाँ के नागरिकों को बड़े ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं सोने पे सुहागा, आपके बिजली के तार नीचे होने से यहाँ पर जान की हानि बन सकती है और छात्राओं के शिक्षा के लिए भी घर को जाने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नई डीपी बिठाई जाए और इलाके के नागरिकों की इस मांग को पूरा नहीं करने पर आने वाले 10 अक्टूबर के रोज आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा दिया गया है। दिए गए निवेदन पर कीर्ति कुमार बोरांडे, रहीमुद्दीन अंसारी, मोइस खान, असलम भाई अंसारी, शेख मुशरफ, शेख बुरान, शेख नसीर, मूसा खान, सैयद अयान आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। मराठा ओबीसी आरक्षण के प्रश्न को जब तक छुड़ाया नहीं जाता तब तक ईडब्ल्यूएस के कोटे से मराठा समाज को पूरी तरह से आरक्षण की शुरुआत नहीं की जाती। इस मांग को लेकर सकल मराठा समाज की ओर से मराठा आरक्षण संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष सुभाष जावळे पाटील इन्होंने 9 दिनों से अपनी मांग को लेकर जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने बेमुद्दत अनशन शुरू किया है। उनके इस बेमुद्दत अनशन को अखिल भारतीय छावा संगठन की ओर से पूरी तरह से समर्थन दिया गया है। अन्य मांगों को लेकर सरकार गंभीरता से ध्यान दे, नहीं तो आने वाले 5 तारीख को मराठवाड़े में आंदोलन किया जाएगा, ऐसा इशारा मराठा क्रांति मोर्चा समन्वयक रमेश केरे पाटील और छावा क्रांतिवीर सेना प्रदेश अध्यक्ष राजेश मोरे इन्होंने सरकार को दिया है। इस समय अखिल भारतीय छावा संगठन के अध्यक्ष नाना साहेब जावळे पाटील, प्रदेश अध्यक्ष पंजाबराव काळे, मराठा क्रांति मोर्चा के समन्वयक रमेश केरे पाटील, छावा क्रांतिवीर सेना प्रदेश अध्यक्ष राजेश मोरे, संभाजी सेने के संस्थापक अध्यक्ष सुधाकर राव माने, छावा मराठा युवा महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष धनाजी केळकर और संभाजी सेना प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर शिंदे, जिला अध्यक्ष विठल तळेकर, जिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष सुधाकर सोळंके के साथ मराठा आरक्षण समन्वय समिति के पदाधिकारी समय मौजूद थे। महायुति के सरकार ने ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, स्वर्णकार समाज, ये तीनों समाज के लिए आर्थिक विकास महामंडल स्थापना करने की वजह से तालुके के तीन ही समाज की संगठना की ओर से आज सरकार का अभिनंदन किया गया। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के सभापति गंगाधर राव बोर्डीकर, इनको शाल और नारियल देकर इनका सम्मान करते हुए सत्कार किया गया। उसी तरह से जोरदार आतिशबाजी करते हुए भाजपा पक्ष के विधायक बोर्डीकर साकोरे, इनका भी इसके पीछे लगकर इन्होंने जो काम कार्य करा कर लिया है उसमें आतिशबाजी करते हुए उनका आभार व्यक्त किया गया। आर्थिक विकास महामंडळ जे शासनाने दिलं त्यात माननीय रघुनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, अजितदादा पवार या तिघांनी म्हणजे महायुती सरकारने ब्राह्मण समाजाला आर्थिक विकास महामंडळ देऊन खूप मोठं योगदान समाजासाठी दिलेलं आहे। असंच हे योगदान या समाजासाठी तळागाळात। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास, बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दिगर समस्याओं का इलाज हमारे पास, हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिस प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, जेलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू, बालों का झड़ना वो डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे, पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए, चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 गुरुवार के रोज नवरात्र उत्सव के अवसर पर नौ दुर्गा माता की मूर्तियों की बड़े पैमाने पर बाजार में आए हुए हैं। इन मूर्तियों को खरीदने के लिए नागरिकों की बड़ी गर्दी दिखाई दे रही है। आज घट स्थापना के दिन पर नवरात्र को शुरू होते हुए नवरात्र के दिन के लिए विविध उत्साह के साथ यहाँ पर मनोरंजन के कार्यक्रम और अनेक कार्यक्रम रखे गए हैं और उसमें दांडिया, गरबा जैसे कार्यक्रमों की भी आयोजित की गई है। इसमें पहला टप्पा मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हुए
प्राण प्रस्त होते हुए इसके लिए परभनी के फांसी रोड स्थित मूर्तिकार ज्ञानेश्वर बंचर इन्होंने अपने विनायक आर्ट से इस माध्यम से बड़े बड़ी मूर्तियां तैयार की है। उसे खरीदने के लिए नवरात्र दुर्गा महोत्सव के मंडल ये खरीदी करने के लिए गर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। सत्यम दिव्यांग संगठना की ओर से आज तारीख 3 अक्टूबर 2024 के रोज जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। निवेदन में कहा है कि माँ ई सेवा केंद्र की निविदा प्रक्रिया कर निकालते हुए दिव्यांग संगठना को एक महा ई सेवा केंद्र चलाने की अनुमति दी जाए, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले विकलांगों की जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो सके। क्योंकि विकलांगों के लिए जिस तरीके से प्रमाण पत्र निकाले जाते हैं उनके लिए वहाँ लूट होती है, उसे रुकाने की खातिर और अन्य निराधार ऑनलाइन अर्थ करने के लिए विकलांगों के स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की खातिर ऐसी विविध समस्याओं को लेकर आज उन्हें ये निविदा निकालकर उन्हें खास तौर पर एक महासेवा केंद्र दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। दिए गए निवेदन पर संस्थापक अध्यक्ष संजय वाघमारे, राज कांगने, सुरेश पांचपुंजे, अहमद खान, एजाज खान, रमेश खंडागड़े, भगवान जल्लारे, संतोष जोंदड़े, सैयद आजमुद्दीन, अंगद सोंगे आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांना दिव्यांगासाठी एक महासेवा सुविधा केंद्र मागणी केलेली आहे, कारण जिल्ह्यामध्ये दिव्यांगाच्या कोणत्याही ऑनलाईन करण्याला खूप अडचणी येत आहे आणि आर्थिक भुर्दंडसुद्धा सोसावं लागत आहे। याचा विचार करून आमच्या दिव्यांग सत्यम दिव्यांग संघटनेने विचार केला की साहेबाला एक विनंती करून माईसेवेची निविदा काढून आमच्या सत्यम दिव्यांग संघटनेला एक माईसेवा सुविधा देण्याची कृपा करावी अशी आमची विनंती साहेबाला मांडलेली आणि साहेबांनी सुद्धा आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे की लवकरात लवकर तुमच्या निवेदनाचा विचार करून तुम्हाला एक सुविधा देऊ। परभणी तालुके के माळसोना यहाँ पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। इस ग्राम सभा में तंटा मुक्ति समिति, ग्राम रक्षक दल, व्यसन मुक्ति समिति की स्थापना की गई। इसमें तंटा मुक्ति समिति के अध्यक्ष पद पर विलास शेषराव लाड़े तो ग्राम रक्षक दल समिति पर अध्यक्ष पद पर विकास लाड़े इनकी नियुक्ति की गई है। साथ ही दुर्गा व्यसन मुक्ति समिति के अध्यक्ष के तौर पर संगीता लाड़ इनकी नियुक्ति की गई है। ग्राम सभा में पुलिस पाटिल मनोज चौहान, क्षेत्रीय अधिकारी तथा मुख्याध्यापक जादव, उपकेंद्र के वैद्यकीय अधिकारी सीजर MPW कास्टी, इनके अलावा ग्राम पंचायत अधिकारी, नागरिक इस समय हाजिर थे। सर्वनात्मक गुरुदेव परिवार महाराष्ट्र शाखा परभणी जिला की ओर से सर्वनात्मक गुरुदेव परम पूज्य श्री वचन माउली इनके मार्गदर्शन में तारीख 22 दिसंबर 2024 के रोज टाकड़ी कुंभकरण तहसील परभणी यहां पर सर्वनात्मक परिवार की ओर से नियोजित आश्रम में इस जगह पर 3105 कुंड के गायत्री महायज्ञ सम्मेलन आयोजित किया गया है। गायत्री महायज्ञ सम्मेलन की जानकारी देते हुए जनता तक पहुंचे इसको लेकर आज संवाददाता सम्मेलन प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रेस को संबोधित करते हुए कार्य अध्यक्ष एडवोकेट तुकाराम रेंगे पाटिल, जिला अध्यक्ष वचन रामचंद्र गायकवाड़, आनंद भरोसे कोषा अध्यक्ष भगवान राव वाघमारे आदि पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। तुमचं तो माध्यम आहेच, तुमच्या टी व्ही चॅनलच्या माध्यमातून, प्रेसच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना आवाहन करणार आहोत, पण याही पुढे जाऊन आम्ही प्रत्येक गावामध्ये नोंदणी करण्यासाठी आम्ही टीम तयार करणार आहोत। आमची जी काही यजमान नोंदणी समिती राहील, ही यजमान नोंदणी समिती गाव पातळीपर्यंत पोहोचेल, त्या गावात जाऊन भेटी घेईल, चर्चा करतील, तिथल्या लोकांना प्रवृत्त करतील, माहिती देतील आणि ते लोक नोंदणी करतील। असे करून अशा प्रकारे सर्व आणि सर्वसामान्य माणसाला याच्यामध्ये सहभाग होता यावा म्हणून अत्यंत कमी अल्प पुनर्जन योगदान ठेवलं आहे। या 5,000-10,000 असं काही ठेवलं नाही, 1,500 म्हणजे त्याचा खर्च, विधीचा जो खर्च आहे तोच आम्ही अपेक्षित पाहून घेतला, तर त्याच्यावर आम्ही सगळं केलं। 22 तारीख दुपारी इथं आमची शोभायात्रा निघेल परभणी शहरामध्ये, ही शोभायात्रा परभणी शहरातून फिरून यज्ञस्थळी जाईल, म्हणजे टाकळी कुंभकरणला जाईल, म्हणजे तिथून आमची येसवापर्यंत ही पायी मिरवणूक राहील आणि येसवापासून वाहनामध्ये बसून आम्ही टाकळीला यज्ञस्थळी आम्ही पोहोचणार आणि मग तिथून रात्री काय प्रसाद वगैरे यांचे काय असं ते घेऊन लोक जाणार आणि मग सकाळी 7:30 जे लोकांनी यजमानांना नोंदणी केलेली ते सगळे यजमान त्याचं 8 हजर राहतील। 7:30 आम्ही टाईम घेतला आहे, 8 यज्ञ सुरू होणार आहे, तर ते इथं येतील, त्यांना आम्ही त्यांचे प्रत्येक यजमान जे आमच्याकडून नोंदणी त्या यजमानाला आम्ही तुमचं कोणतं कुंड आहे, किती नंबरचं कुंड आहे, त्यांना सगळं त्यांना लेखी स्वरूपात आम्ही त्यांना कळू आणि ते त्या ठिकाणी म्हणजे कोणाही गडबड गोंधळ होणार नाही म्हणून सिस्टमॅटिक नियोजन आम्ही तसं करणार आहोत आणि
जे यजमान पावती घेऊन आमच्या इथे त्या यजमानाला ते कोणावर बसत आहेत पावती नंबर असं सिस्टमॅटिक केलेलं आहे. आणि फक्त एवढंच आहे की यजमानाची नोंदणी जास्तीत जास्त म्हणजे आमचं जे टार्गेट आहे 12,420 तेवढे क जोडपे यजमान म्हणून मिळवणं आणि तेवढ्या जोडप्यांना सहभागी करून घेणं यासाठी आम्हाला जी मेहनत करायची ती त्या मेहनतीमध्ये तुमचाही सिंहाचा वाटा आहे. आणि त्या मेहनतीमध्ये आमचे कार्यकर्ते भेटतील, आमचे पदाधिकारी भेटतील, समन्वय आमचे समन्वयक भेटतील, या वेगवेगळे सगळेच काम करतील आणि अशा माध्यमातून हा यज्ञ यशस्वी होईल. देसी जड़ी बूटियों से इलाज का एकमात्र केंद्र हकीम मौलाना उबैदुर रहमानी मिसबाही इनका नूरी शिफा खाना हर स्टेज का कैंसर, किडनी की खराबी, लीवर की खराबी, हर तरह का शुगर, बालों की हर तरह की समस्या, पीठ व किडनी की पथरी, बवासीर, हर्निया, अपेंडिक्स, बीपी की कमी व ज्यादती, पीलिया, हर तरह का चर्म रोग, हर तरह का पेट रोग, सफेद दाग, साटिका, यूरिक एसिड, हार्ट, डिप्रेशन, अल्सर, नाक, कान, गले की बीमारी, आंख की हर तरह की समस्या, टॉन्सिल, हर तरह का न्यूरो रोग, मिर्गी, खून की कमी, हर तरह का ट्यूमर आदि का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है. पता बलरामपुर से चौक रोड, बैरागी कॉलोनी, तुलसीपुर, जनपद बलरामपुर, यूपी. तुलसीपुर में मिलने का समय सुबह 11 बजे से 6 बजे तक हर माह की 1 तारीख से 20 तारीख तक रहेगा. परभणी में मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक हर महीने के आखिरी हफ्ता 23 तारीख से 30 तारीख तक रहेगा. परभणी का पता दरगाह रोड, आजम चौक से आगे, तवक्कल मेडिकल के करीब, परभणी, महाराष्ट्र. अधिक जानकारी के लिए मोबाइल पर संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9793041936, 9175546259. हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें. सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट.